भाई गुरदास साहब जी ने बाणी लिखी, भाई साहब जी ने वारां दी कवितां दी सवैये सोरठे आदि को दी रचना की थी। असि उन्हां दी रचना चो पुछ लिए कि भाई साहब जी ए महापुरखां दी पूजा दा ट्रेंड खूनी चलिया है कि गुरु काल वेले भी सी, उस वक्त सी भगती वाले दी बंदगी वाले दा सत्कार। भाई साहब दा एक कवित है, मैं वो कह के समाप्ति करना, वह बड़ी सोहनी उदाहरण दिंदे ने। वह कहिंदे ने खंड नूं मिठे नूं गुड़ नूं जिन्ना मर्जी लुका के रख लो, तिनको प्रजा पूजन आई। मिठा तय खाने च रख लो, पर चेते रखियो मिठे दा स्वाद जानन वालियां कीड़ियां दी कतार बन के उस मिठे तक जरूर पहुंचेगी, भावे कपड़े विच लपेट के रखो। उत्थे कीड़ियां पहुंचनगियां, कि उन्हां नूं कोई रोक सकदा है? ते याद रखो, कीड़ी नूं किसे ने इश्तिहार भी नहीं दिता, कीड़ी नूं किसे अनाउंसमेंट नहीं कीती, परमात्मा ने उहदे अंदर दी सोझी इन्नी पैदा कर दित्ती, जिथे मिठा होवेगा मठियाई होवेगी, कीड़ियां पहुंचनगियां। जिथे दीवा बलेगा उथे पतंगे जरूर आउणगे, जिथे फुल खिड़ेगा उथे भवरे जरूर आउणगे। जिस महापुरख दे अंदर बंदगी दा प्रेम प्रकाश प्रगट हो जाएगा, उहदे दर ते सदियां तक प्रजा जरूर आउंदी रहेगी। सतगुरु दी बाणी दा वचन है कि वाह, फिर बेनती सुनिया, वाह वाह करें सही जन सोने, तिनको प्रजा पूजन आई। जैसे तो मिठाई राखी है छपाए जतन कै, चीटी चल जात चीन ताहे लपटात खें, दीपक दराए जैसे दीपक जराए जैसे राखी है दुराए ग्रह, प्रगट पतंग ताम सहज समात कै, जैसे तो बिमल जल कमल अकांत बसे, मद कर मद अचवन तह जात कै, तैसे गुरमुख जे घट प्रगट प्रेम। अगली तुक भाई जी लिखते ने, सकल संसार तुहे द्वार बिललात है, एक इलाका नहीं सारा संसार उहदे दर ते विलकदा। करनी वालियो सानू जोड़ो उहदे नाल जिहदे दर तो तुसी जुड़े होए आए हो।